हेलो फ्रेंड्स, वम प्रो दिस साइड। दोस्तों, आज सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ आज, क्योंकि महेश सर जो ऑडियो निकाला था, आप सभी को पता होगा टीसी का जो ओनर है महेश सर, जिसका मतलब कुछ बोलूँगा नहीं मैं उसके बारे में, आप ऑडियो सुनोगे तो आप खुद को पता चल जाएगा। और उसके पहले मैं आप सभी को थोड़ा, मेरा पिछला जो वीडियो था, टीसीसी इज स्कैम, इज अ बिग स्कैम एंड डूइंग स्कैम विथ ऑल ओवर ऑल द पीपल हु इन्वेस्टेड इन टीसी, उस वीडियो के बारे में दोस्तों उसमें कुछ कंक्लूजन था लोगों का, मुझे कमेंट बॉक्स में भी मिल रहा था और पर्सनल चैट में भी मेरे पास आ रहा था। कुछ बंदा जो बोल रहे थे, कुछ क्वेश्चन थे उन लोगों का, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन का सोल्यूशन देना चाहता हूँ आप सभी को। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग पूछ रहा था कि सर सुमित जो है रिंकू सैनी का पता नहीं डेमोग्राफी, कुछ लोग बोल रहे थे रिंकू सैनी का ठीक है या रिंकू सैनी अच्छे आदमी है उसका ठीक है, पर सुमित कुमार तो खुद फ्रॉड है, तो उसका टीसीसी आईडी ब्लॉक हुआ बहुत ही अच्छा हुआ था, तो आप क्यों उनके सपोर्ट में बोल रहे हो? सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी का सपोर्ट में नहीं बोलना चाहता, ना सुमित कुमार मेरा भाई है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरा पैसे वो लेके बैठे हुए हैं, या वो ना मुझे वो पैसे देके बैठा हुआ है, ठीक है, ना उसने मेरा वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुछ भी, फिर भी मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूँ। सच्चाई मेरा बताना सभी को मेरा कर्तव्य है एज ए इंडियन कंज्यूमर। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीसीसी वाले जो कर रहे हैं, मान के मैं को एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान के चलो अभी जो महेश वर्मा बोल रहे हैं मेरा नेटवर्क ख़राब कर रहे हैं, मेरा नेटवर्क ख़राब कर रहे हैं, लोग आके मेरा नेटवर्क ले रहे हैं, दम है तो खुद का नेटवर्क बनाए, तो मैं महेश वर्मा को ये बोलना चाहता हूँ आपका दम है तो आप बीटीसी का, आप किस क्यों ऐसे बोलते हो कि फेसबुक का ग्रुपों में प्रमोशन करो, फेसबुक का जो बीटीसी आप सर्च करो, क्रिप्टो करेंसी सर्च करो, उन ग्रुपों में टीसी का प्रमोट करो, आप क्यों बोल रहे हो सर? खुद का फेसबुक पेज बनाओ, उसमें प्रमोशन करो ना, फिर कैसे आप बोल रहे हो? आपके अगर बोलने से आप जैसे बोल रहे हो उसको, आपका भाषा आप ही क्यों यूज़ कर रहे हो कि आप बोल रहे हो ना मेरा नेटवर्क ले रही है? सर, क्रिप्टो करेंसी में कोई नेटवर्क नहीं है, तो आप क्यों बीटीसी का नेटवर्क ले रहे हो? तो अभी क्या सतोशी नाकामोटो आके आपका टीसीसी वॉलेट का जो बीटीसी वॉलेट है वो क्या सर सीज कर देगा? नहीं करेगा ना, ऐसे ही होते सर, वो अपने खुद की इन्वेस्टमेंट है, उसको आपके हक ही नहीं है ब्लॉक करना। तो सुमित कुमार ने, मैं आपको बता दूं, सुमित कुमार ने अपना जो ग्रोथ कॉइन है उसमें एटीसी जो है एटीसी को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए मैं महेश वर्मा देख नहीं पाया, सह नहीं पाया, रू रू काप उठा उनका, उनका उनका खुद का नुकसान हो रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने कर दिया था ब्लॉक। सुमित कुमार सर ने किया, उनके हाथ पैर पड़ा, बोला कि सर मैं एटीसी को आज के आज ही हटा दूंगा, आप मेरा अनब्लॉक कर दीजिए, तब जाके एटीसी को हटाया खुद कॉइन से, तब जाके उसने अनब्लॉक किया था, ठीक है, ये है सच रीज़न। ओके, तो ऐसे सर थोड़ी ना वो मतलब ऐसे कर रहेगा, हम लोग क्या गुलाम है उनका? हम लोग इंटरनेट मार्केटर है, हम लोग कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, और टीसी से हम लोग का इन्वेस्टमेंट है, ना कि महेश वर्मा का मानत। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, तो आज जो टॉपिक है, पहले का जो आंसर आप सभी को मिल चुका है, आज का जो टॉपिक है मैं शुरू कर रहा हूँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है महेश वर्मा का जो एटीसी के ऊपर कमेंट था, उस कमेंट का रिप्लाई आज सुभाष जवाड़िया जी से आ चुका है, तो मैं पहले घटिया जो सोच वाला महेश वर्मा सर है उसका मैं पहले वॉइस सुना देता हूँ आप लोगों को, आप खुद समझ जाओगे। और सुभाष सर इतना विनम्र तरीके से उनका रिप्लाई करा है, दोस्तों क्या बताऊँ, मज़ा आ गया सुन के। चलो दोस्तों, तो फिर प्ले करते हैं महेश सर का ऑडियो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि यार ये लोग बेवकूफ बनते कैसे हैं इन लोगों के आगे, मतलब लोगों को कितनी जल्दी बेवकूफ बना दिया जाता है और लोग बन भी जाते हैं कि भाई एक कंपनी खुलती है और वो बोलती है कि आज मैं आपको जो है 5,000 रुपये लूंगी और 5,000 रुपये के बदले में हर महीने 5,000 रुपये के हिसाब से कॉइन दूंगी। मेरे को तो ये चीज आज पता लगी कि वो लोग रुपये के हिसाब से कॉइन दे रहे हैं और उन्होंने। दोस्तों, मैं एक बार वीडियो पॉज करना चाहता हूँ, इनको पता नहीं एडीसी का प्लान किसने समझा दिया, कौन बेवकूफ़ ऐसे है जो महेश सर को एडीसी का प्लान समझा है पता नहीं सर, पर जिस बेवकूफ़ ने समझाया दोस्तों मेरा मन क्या कर रहा है पता है, उस बेवकूफ़ को जाके दो चमा तमाचा मारूँ, मेरा जूता है ना जूता खोल के उसको मारूँ, बहुत मारूँ,
क्योंकि महेश वर्मा सर को भी मिसगाइड किया है उस बंदे ने, ठीक है। यहाँ पर महेश सर का जितना दोस्त है ना उनका भी है उतना, क्योंकि महेश सर को तो किसी भी कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए था, 10 बार उनके बारे में वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए था। ऐसी ऑडियो नहीं बना देते कोई भी बड़े लोग या कोई बड़ा MD, ठीक है। फिर भी वो बंदे जो है कौन समझाए पता नहीं, उल्लू गधा। चलो शुरू करते हैं। उन्होंने अपने अपना रेट ही 20 गुना कर लिया, तो अब उनको 20 गुना कम कॉइन देने आपको हर महीने? नहीं सर, नहीं देने हैं आपको। मैं समझा देता हूँ, महेश सर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आपको मैं बता देता हूँ ATCC का जो प्लान है। आपको अगर 500 कॉइन मिला है 5000 रुपीज़ में, चाहे कॉइन का रेट 100, 200, 500, 1000, 2000 क्यों ना चला है, आपको 50 कॉइन ही मिलेगा जो 10% है, रुपीज़ पे नहीं कॉइन पे मिलेगा। ओके सर। अरे यार ये चीज आपके पैसे पूरे कब होंगे तो देखो जरा। अब अगर आपको पहले वो कंपनी आपने 5000 रुपए लगा के, अगर वो कंपनी मान लीजिए 100 कॉइन देती थी पर मंथ, तो रुपए के हिसाब से तो अब वो कंपनी आपको सिर्फ 5 ही कॉइन देगी। नहीं सर, गलत सोच है आपका। आपके पैसे कब पूरे होंगे फिर? ठीक है, मतलब वो तो कहेंगे ठीक है रेट बढ़ गया तो आपके पैसे पूरे हो गए, यार कॉइन कब मिलेंगे? 5000 रुपए के जितने आपने कॉइन खरीदे उस टाइम पे जितने कॉइन आपको मिलने चाहिए थे वो कॉइन आपको कब मिलेंगे? दिए क्या, क्या खरीदा गया है, पैकेज खरीदा है क्या, मतलब मजाक खरीदा है क्या? तो यार कुछ तो दिमाग लगाओ, कुछ तो बताओ। वैसे ही लोग, मेरे को तो ये चीज आज ही पता लगी कि भी ये लोग इस तरह से चला रहे हैं कि भी रुपए के हिसाब से पैसे बांटे जा रहे हैं। सच में इस तरह का ये सुन के मेरे को और ज्यादा वो हुआ, गुस्सा आ रहा है कि यार इतना ज्यादा फ्रॉड किसी के साथ कैसे कर सकता है कोई? गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है सर, क्या बताऊं लोगों को। और लोग चुपचाप भी बैठे और बड़े मजे से एक दूसरे को इसकी टोपी और उसके सर, और उसकी टोपी आपके सर। सर टोपी तो आपको भी पहना है ना, तो ATCC का प्लान आपको समझा है, वो तो आपको टोपी पहना है ना। और आप एक दूसरे को टोपी एक दूसरे के सिर पे बनाए जा रहे हो आपने 10000 रुपए के बिटकॉइन या एथेरियम ATCC खरीदे हो, आपको किश्तों में दिए जाए और वो भी रुपए के हिसाब से किश्तों में दिए जाए, तो 20-20 साल तक किश्तें चलती रहेगी। कोई मतलब लॉन्ग टर्म प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट किया था और उसके क्या गारंटी है कि भी क्या ये है गारंटी कि भी एक साल तक कंपनी की भागेगी नहीं? ये तो ATCC का भी गारंटी नहीं है, ATCC तो साला भाग जाएगा। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग से चलो कि इस तरह की कंपनी जितनी भी आती है भाई लोगों मत पड़ा करो। सर दिमाग तो आपके पास भी नहीं है जैसे आप ऑडियो बना रहे हो ऐसे। कंपनी की भागेगी नहीं है किसी चीज की गारंटी, इस चीज की गारंटी है? यार थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग से चलो कि इस तरह की कंपनी जितनी भी आती है भाई लोगों मत पड़ा करो। मनी सर्कुलेशन होती है, सबसे बड़ी मनी सर्कुलेशन चिट फंड के अंदर आती है। ये सब चीजें गवर्नमेंट ने बैन किया है इस चीज को। चिट फंड का नया वर्जन है ये MLM बेस्ड कॉइन्स, ये चिट फंड ही है और क्या है ये। आप एक बार चिट फंड गूगल पे सर्च करना, होता क्या है आपसे पैसा लिया जाता है, पैसा एक दूसरे में सर। चलो सर मैं सह नहीं पा रहा हूँ इस ऑडियो को, ठीक है। तो मैं इसका जो रिप्लाई, इस ऑडियो को अगर आप सुनना चाहते हो, पूरा सुनना चाहते हो, आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इसका, ओके। और आप सुभाष सर का जो विनम्र तरीके से एकदम सही, जो जिसको बोलते हैं ना मीठी बात में जूता मारना, ऐसे उसने किया है, बहुत ही अच्छा लगा है मेरा। तो सुभाष जी का जो रिप्लाई है वो सुन लीजिए ज़रा, ओके। इसका मैं पूरा ही सुनाऊंगा, पर इसको जितनी बार सुनता हूँ दिल बढ़ जाता है, सुनने का और ज़्यादा मन करता है, ठीक है। तो दोनों ही ऑडियो जो आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक मिल जाएगा, ओके। तो मेरे जो कुछ मित्र हैं जो मेरे बारे में उल्टा सीधा वीडियो भेजते रहते हैं, ऑडियो भेजते रहते हैं, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा इस इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में सपोर्ट करें, गिराने में नहीं। इस इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं। इस इंडस्ट्रीज में जो भी लोग आ रहे हैं सबका स्वागत है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ, जितने ज्यादा लोग होंगे इस इंडस्ट्रीज में, अच्छे लोग होंगे, मेहनती लोग होंगे, ये इंडस्ट्रीज बहुत आगे बढ़ेगी। बट ऐसा कुछ ना करें जिससे मतलब बदला भी हो लोगों के, लोगों का विश्वास हटे, मतलब लोगों को आज मजा आना चाहिए कि हाँ भाई आज हम इंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी मित्र मेरे बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वो सोचे कि यार ये
आप अंतर्यामी नहीं हो कि मेरा प्रेडिक्शन बहुत पहले से लगा देते हो सुभाष क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये मुझे मालूम है, जितना उनका एज है उससे ज्यादा तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा सा जबरदस्त सर, जबरदस्त बोला करें, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि एक इंडस्ट्री से सब लोगों की। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब से मैं ओपन मार्केट में आना शुरू हुआ हूँ, सबके सामने आना शुरू हुआ हूँ, तो सर यही है सच्चाई दोस्तों। ये आप तो नो ऑडियो सुन लो, आप अच्छी तरीके से सुन लो, आपको पता चल जाएगा कौन फ्रॉड है, कौन स्कैम है, किसका कॉइन स्कैम है। ये है दोनों एमडी का जो बात है, मैंने इसको कंपैरिजन किया और आप एक तरह से रिप्लाई भी समझ सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हुए वीडियो आपको अच्छा लगा है, और जो लोग ऐसे एम के एफ करते हैं मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही बुरा लगा होगा। दोस्तों मैं दिल से आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी चैमकेस करता था, अभी मैं नहीं करता क्योंकि चैमकेस का भी बहुत बार आईडी उसने ब्लैंड कर दिया था मेरा, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाया था महेश वर्मा के खिलाफ। ठीक है, वो महेश्वर में ऐसे ही मनमानी करते हैं, जब भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसका आईडी बैन कर देते हैं बिना सोचे समझे। अभी तो चैमकेस करते थे पहले, और अभी तो चैमकॉइन भी, मतलब जो उनका अमानत है ही नहीं उनको भी कर देते हैं, है ना। तो दोस्तों मुझे भी बुरा लग रहा था, पर दोस्तों आप पता है आप लोगों को सभी को बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग ने नमक खाया उनका, आप लोग नमक खराब नहीं हो, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हो, इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हो। जो लोग चैमकेस करते हैं और उल्टा सीधा मुझे गाली देते हो, मुझे मैं समझ सकता हूँ सर आप लोगों का तकलीफ, आप लोग तो जेन्युइन हो ना सर, आप लोगों का दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए आप महेश्वरों को भगवान मानते हो, और भगवान ही अगर आपके साथ दागा कर जाए तो आपको क्या होगा, आप लोग तो लोड पर आ जाओगे। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आँखें खोलो सर, भगवान पर भी अभी विश्वास नहीं करो, आप जिसको भगवान समझ रहे हो वो शैतान है एक तरह से, है ना। और दोस्तों दिल खोल के डिसलाइक कर लो, दिल खोल के रिपोर्ट कर लो, दिल खोल के गालियाँ दे दो, अपने सारा भड़ास जो है ना मेरे कमेंट बॉक्स पे निकाल लो सर। पर दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरा कोई यहाँ पर स्वार्थ नहीं है, मेरा आप लोग अगर बोलते हो कि मोनेटाइजेशन के लिए पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में ऐसे वीडियो बना रहे, ऐसे भी नहीं है दोस्तों। मैं आप सभी को बार बार वीडियो में ये समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या भाई क्या बताओ आप लोगों को, चलो कोई नहीं है दोस्तों, डिसलाइक करो जल्द से जल्द अच्छे तरीके से, और आप लोगों का जो आप लोग जो दिल से बहुत अच्छे हो वही आपका प्रमाण होगा डिसलाइक करना, और कमेंट में गंदी गंदी गालियाँ देना यही स्वाभाविक है। और जो लोग समझ सकते हैं मेरे वीडियो को मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर लाइक देंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर, और ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे इस भी विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों, ये बता के मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप क्लेम, आई विल रिटर्न एंड प्रोवाइड यू गुड सर्व यू गुड वीडियो एंड ट्राई विथ माई बेस्ट। ओके थैंक यू।